चले, बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल जान लेते हैं कराची की। मलीर में कफील अहमद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि वहां की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। पेशावर से आसिफ शकूर हमारे साथ हैं, मर्दान से। जी मर्दान से पहले मलीर का रुख करते हैं। कफील, आप बताइएगा यहाँ पर कैसा टर्न आउट देख रहे हैं, किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं आप? हेलो जी, जी कफील आगा कीजिएगा, किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं आप, यहाँ पर कैसा टर्न आउट? मैं 237 से रिपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, एनए 237 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कांटेदार जो मुकाबला है वो इमरान अहमद खान न्याजी और इसके अलावा जो हकीम बरूही पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उनके दरमियान है। ये गाजी बरूही स्कूल है और इस अगर आपको दिखा सकूं कि यहाँ जो सिचुएशन है हुए हैं, खास बड़ी तादाद में खवातीन आई भी, अगर आप इनसे पूछ सकें, मैडम कितने वोट अब तक कास्ट हुए? 10 हुए हैं फिलहाल जी सर, सुबह से अब तक। जी जी सर, सुबह से अब तक जो है वो 10 वोट यहाँ खवातीन के जो बूथ है उसमें जो है वो यहाँ पर कास्ट हुए हैं। 2 पोलिंग बूथ बनाए गए, 121 और 111। मैं आपको मर्दों के पोलिंग बूथ के अंदर भी लेकर जाऊँगा, जो यहाँ पर अब तक जो तादाद है कि वो कितनी की गई है, सिक्योरिटी के खास सख्त इंतजाम किए गए हैं या रिटर्निंग अफसर मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर, कितने वोट अब तक कास्ट हुए बताएंगे? सर अभी तक जो है हमारे पास जो काउंट हुए हैं, सत्ताईस वोट कास्ट हुए हैं अभी तक सर। 27 वोट यहाँ पर जो है वो अब तक कास्ट हुए हैं। ओवरऑल जो सेंटिमेंट है खासा यहाँ पे खवातीन आ रही हैं, मर्द हजरात भी वोटर आ रहे हैं, और जो टर्नआउट के हवाले से अगर हम बात कर लें, क्योंकि ये तवक्को की जाती है कि दोपहर के बाद ज़मीनी इंतखाबात में होते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में हमने देखा है कि खवातीन भी और मर्द भी यहाँ आ रहे हैं। सिक्योरिटी के खासे सख्त इंतजाम हैं, गो के एक बड़ा गुंजान आबाद इलाका है ये जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, और तवक्को की जा रही है कि थोड़े से इसमें जो तेज़ी है वो 12 बजे के बाद देखने में और ज़्यादा आएगी, जब जो है जो वोटर हैं बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचेंगे। जी ठीक है कफील, हमें आगाह कर रहे थे कराची में एनए 237 के पोलिंग स्टेशन का अहवाल, और कफील हमारे साथ रहिएगा। आप आसिफ शकूर इस वक्त